Today I am going to show you gross motor activities with the help of hula hoop. So first activity is कि हमने बच्चे को इस तरह से round round spin करना सिखाना है hula hoop को around the body. अभी जो है equation of waist नहीं move कर रहा है but he get the feel कि ring को कैसे मैंने rotate करना है. Activity number one. एक्टिविटी नंबर टू, स्पिन द हुला हूप. इस तरह से बच्चे को हमें स्पिन करना सिखाना है. इससे बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है. दिस इज अ गुड फाइन मोटर एक्टिविटी और बच्चे की रिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग होती है. एक्टिविटी नंबर थ्री, इसमें जो है कृष्ण प्रिटेंड प्ले कर रहा है दैट ही इज ड्राइविंग अ कार. गाड़ी चलाओ, कार कैसे चलाएंगे. एक्टिविटी नंबर फोर, हुला हूप को रोल करते हुए दूसरे प्लेस पे भेजना है. अगेन दिस इज़ अ गुड ग्रोस मोटर एक्टिविटी एज वेल एज इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे का हैंड एंड आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन चाहिए. एक्टिविटी नंबर फाइव, स्क्रॉल वॉक. हुला हूप के अंदर इस तरह से वॉक करना है. दिस अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. एक्टिविटी नंबर सिक्स, दोनों हैंड को यूज़ करते हुए रिंग को रोल करना है. दिस इज़ अ बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एंड ब्रेन जिम एक्टिविटी. दोनों ब्रेन का सिंक होगा तो बच्चे की लर्निंग और ज़्यादा डेवलप होगी. एक्टिविटी नंबर सेवन, अब दोनों हैंड से टू हुला हूप्स को स्पिन करना है. दिस इज अगेन अ वेरी गुड अटेंशन एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, ब्रेन जिम एक्टिविटी एंड बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी. इससे बच्चे का ओवरऑल बॉडी एंड ब्रेन सिंक होता है और बच्चे की ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है. एक्टिविटी नंबर एट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. इसमें हमने बच्चे को टीम अप किया है दूसरे मेंबर के साथ. बच्चे को रिंग रोल करना है और दूसरे मेंबर को कैच करवाना है. नाउ ही हैज टू कैच. तो इससे टीम स्पिरिट बढ़ता है बच्चे का सोशल स्किल्स इंप्रूव होता है एंड दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर नाइन, इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस देना है जंप इन जंप आउट. उसके बेसिस पे बच्चे को जंप करना है. इससे हम बच्चे की मसल रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्स टाइम पे काम कर रहे हैं. साथ ही साथ इससे बच्चे का अटेंशन एंड ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है. इन In, out, out, out. Activity number 10, हमने दो रिंग्स रख दिया है. बच्चे को अकॉर्डिंगली उसमें जंप करना है. तो इससे बच्चे को बॉर्डर्स आइडेंटिफाई होते हैं. बच्चे का बॉडी कंट्रोल, अटेंशन टू द ग्राउंड बढ़ता है. अभी हमने अटैच किया था रिंग को. अब धीरे धीरे हम लोग स्पेस बढ़ाते रहेंगे. इससे बच्चे की जो जंप लेंथ है कि वो कितना दूर तक जंप कर रहे हैं उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट ग्रोस मोटर एक्टिविटी एज वेल. एक्टिविटी नंबर 11, हैंड से रोटेट करना है हुला हूप को और हम इससे नेक से भी रोटेट करा सकते हैं बच्चे को. अभी कृष्णा वो नहीं कर पाता है तो आई कुडंट शो इट विद कृष्णा. आई एम वर्किंग. अगर इन फ्यूचर वो करता है तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी. एक्टिविटी नंबर 12, बच्चे को इस तरह से रिंग में से निकलना है. रिस्ट को मैनिपुलेट करते हुए रिंग को ऊपर लेकर आना है एंड वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करना है. नीचे से डालो, ऊपर से निकालो. सो इसमें आप देखेंगे रिस्ट को मैनिपुलेट करना है. रिस्ट मूवमेंट बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है. एक्टिविटी नंबर 13, थ्रोइंग द बॉल थ्रू हुला हूप. अभी मैंने स्टेबल टारगेट लिया है उसको थ्रो करवाने के लिए. देन मैंने उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, कभी आप कभी डाउन, जिससे बच्चे की अटेंशन एंड फोकस इम्प्रूव हो और फिर बच्चे को रिकॉग्नाइज हो कि मुझे किस तरह से टारगेट को हिट करना है, किस लंबाई से, किस डिस्टेंस से. तो दिस इज स्टेबल मूव, स्टेबल थ्रोइंग. देन अप विद मूवमेंट, आई विल कंटिन्यूसली मूव द हुला हूप और फिर बच्चे को उसमें से थ्रो करना है. तो इससे बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा एंड अगेन बच्चे की जो अटेंशन है उस पर हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इस एक्टिविटी के साथ. इसी एक्टिविटी में थ्रो द बॉल में मैंने एक एक्टिविटी कराया कि हुला हूप को ग्राउंड से इस तरह से अटैच किया एंड बच्चे को उसमें किक द बॉल करना है. किकिंग द बॉल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज थ्रोइंग द बॉल. तो ये भी हम करा सकते हैं. एक्टिविटी नंबर 14, मैंने दो हुला हूप के साथ एक छोटा सा ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया है. बच्चे को क्रॉल करके आना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना है और दूसरी डेस्टिनेशन पे डालना है. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर किड, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी रहते हैं, एंगेजिंग भी होती है और बच्चे की एक ग्रोस मोटर एक्टिविटी हो जाती है. अभी मैंने इसको रिंग को नीचे रखा है, ग्राउंड से अटैच रखा है. वंस द किड स्टार्टेड डूइंग इट, हम उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं. हाइट ऊंचा कर दिया. नाउ किड हैज़ टू मैनिपुलेशन कि भाई मुझे अब इस हाइट के ऊपर से कैसे मैनेज करना है.
तो बच्चे की अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस के साथ साथ ग्राउंड अटेंशन, जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चा नीचे ध्यान नहीं देता है, गिरता बहुत है, टकरें बहुत लगती हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ उसमें हेल्प आउट करती है बच्चे की ओवरऑल अटेंशन, उसकी वॉकिंग में अटेंशन, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। एक्टिविटी नंबर 15, टग ऑफ वॉर। इस तरह से हुला हूप पे एक साइड पे आप और दूसरी साइड से बच्चे को आप पुश पुल करा सकते हैं। दिस इज़ अ गुड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी, हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। सो दीज आर 15 एक्टिविटीज़ विद हुला हूप। सो दीज आर 15 एक्टिविटीज़, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ विद हुला हूप, जो हम लोग अपने बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं फॉर देयर मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, जितना ज़्यादा एकेडमिक्स ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा बच्चों के लिए ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ सिर्फ बॉडी, जो हम लोग बात करें फिजीक को डेवलप करने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा फिजिटी होते हैं वो। अब जब आप उनसे ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ कराएंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्नआउट होगी, जो उनको रिक्वायरमेंट है। दे नीड मोशन, दे नीड दैट फिजिकल एक्टिविटी। जब वो आप उनको प्रोवाइड कराएंगे तो वो उनका जो ब्रेन है दैट विल रिलैक्स, बहुत काम डाउन होगा, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल अटेंशन इम्प्रूव होगी। अटेंशन इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली आप कोई भी उनको एजुकेशनल टास्क कराना चाहेंगे तो वो परफेक्शन के साथ फॉलो करेंगे और उनकी लर्निंग जो है बढ़ेगी। तो सी, देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन लर्निंग, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, बिंग अ पेरेंट, एजुकेशन पे, लर्निंग पे तो फोकस करते हैं बट ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अंडरमाइन करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है एक बच्चे के लिए उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो प्लीज़ ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ को भी उतना ही सीरियसली लें अपने बच्चों के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, ये एक्टिविटीज़ आपको बहुत न्यू एंड डिफरेंट लगी होंगी, और आप अपने बच्चों के साथ घर पे करेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।